नमस्कार गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स आई एम कुसुम प्रसाद एंड यू ऑल आर वाचिंग अस ऑन ई विद्या चैनल नंबर टेन सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स प्लीज़ गेट रेडी टू स्टडी साइंस एंड दिस सेशन इज़ फॉर क्लास टेन स्टूडेंट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड चैप्टर लाइफ प्रोसेस पार्ट थ्री इससे पहले भी हम इसके दो पार्ट्स कवर कर चुके हैं और इसके बारे में हमें बताएंगे हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं आज के मेहमान सर हैं मिस्टर सुशील कुमार द्विवेदी सर सर आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार यस गुड आफ्टरनून सर हैं पीजीटी बायोलॉजी केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ यूपी से तो सर आपको गाइड करेंगे सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स कैट रेडी टू स्टडी साइंस सो यू कैन सेंड योर क्वेरीज थ्रू अवर वेरियस मीडियम यू कैन अस ऑन अवर फोन नंबर दैट इज़ एट एट जीरो जीरो फोर फोर जीरो फाइव फाइव नाइन And you can also email us on our email ID that is dth.class10 at the rate ciet.nic.in. We are conducting this session as a part of Jan Bhagidari or People's Participation for G20 initiative. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism. इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी वुड बी अ वाटर शेड मूवमेंट इन हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाई फाइंडिंग प्रागमेटिक ग्लोबल सोल्यूशन फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल एंड इन डूइंग सो मैनिफेस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ वसूद हैव कुटुम्बकम और द वर्ल्ड इज वन फैमिली तो आइए शुरुआत करते हैं इस सत्र की और रुख करते हैं सर की तरफ तो सर जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस पार्ट थ्री हम आज समझने yes. वाले हैं मतलब उसी का थर्ड uh, सेशन uh, है Yes. और बाकी दो पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं तो हम चाहेंगे सर कि आपने जो दो yes. पार्ट दो में कराया उसको एक छोटा सा रिकैप आप बता दें हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को ओके सो डियर स्टूडेंट्स इन द लास्ट चैप्टर्स लास्ट सेशंस वी हैव डिस्कस अबाउट द सो मैनी क्राइटेरिया बाय विच वी विल बी एबल टू डिसाइड वेदर ए ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग so uh, in the previous sessions uh,

आपको याद होगा बात की थी कि जो सबसे पहले स्टार्ट किया था डेट इज द न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन अर्थात पोषण बच्चों जब आप और हम या कोई भी व्यक्ति या कोई भी लिविंग uh, थिंग कोई भी वर्क करती है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है एनर्जी की आवश्यकता होती है एंड डेट एनर्जी केम फ्रॉम हेयर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा तो जो हम लोग भोजन लेते हैं जो हम और आप लोग न्यूट्रिशन लेते हैं उस न्यूट्रिशन की प्रक्रिया के दौरान भोजन हमारे आपके या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाता है और उसके बाद वो उस भोजन पर जो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं उसके बाद वो भोजन छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट में टूट जाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है और फिर उस एनर्जी का उपयोग अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी अलग अलग प्रोसेस अलग अलग दिनचर्या के दौरान जो भी उनके कार्य होते हैं उसके लिए वो यूज करते हैं जैसे कि आ, हम अगर बात करें न्यूट्रीशन के पर्सपेक्टिव में तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट्स को हम आटोट्रॉपिक क्यों कहते हैं क्यों? हमने last time discuss करा था और हमारे को भी ध्यान होगा। yes. तो सर न्यूट्रिशन में आ, दो टाइप्स होते हैं जैसे कि आपने बताया autotrophic और हेट्रोट्रॉफिक तो व्हाट आर बिटवीन दीज बोथ अगर आ, जी पर ही फोकस किया जाए तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ मीन्स स्वयं तो कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिम जो कि अपना भोजन स्वयं बना है जैसे मेरे आपके चारों तरफ जो भी ग्रीन प्लांट दिखाई देते हैं उनमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट पाया जाता है और उनके अंदर ये काबिलियत होती है उनके अंदर कैपेसिटी होती कि वो सूरज की जो सनलाइट होती है सन से आने वाला जो प्रकाश उसको लेके और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग करते हुए वो भोजन बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन को सिंथेसाइज करते हैं तो ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं दूसरी तरफ इस धरती पर ऐसे भी जीवित जीव जंतु पाए जाते हैं जो अपना भोजन बनाने में सफल नहीं हो पाते जैसे आप और हम लोगों ने कई सारी फंगस के बारे में सुना होगा और अधिकतर जो फंगस होते हैं सारे के सारे फंगस वो सेप्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते मतलब सड़ी गली चीज़ों से भोजन प्राप्त करते ऐसे ही कुछ प्लांट आपने बच्चों सुना होगा कि जैसे एक कुस्कुटा होता है अमरबेल आकाशबेल वो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता तो ऐसा प्लांट पैरासिटिक प्लांट कहलाया या हमारे आपके शरीर में या तो शरीर के अंदर या शरीर के बाहर कुछ ऑर्गेनिज्म पैरासाइट के रूप में रहते हैं वो हमारे शरीर से या शरीर के अंदर से भोजन को प्राप्त करते रहते हैं तो वो पैरासाइट हो सकते हैं या पैरासाइट इनके अलग अलग उदाहरण हैं जैसे लाइस हो गया वो पैरासाइट हुआ एस इंडो पैरासाइट तो ये जो हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मतलब आटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा वो ऑर्गेनिज्म जो कि इधर पैरासिटिक हों या फिर सेप्रोफेटिक हों इस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी ऑर्गेनिज वो करते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है और हम इंसान भी उसी में एक प्रकार के हेट्रोट्रॉपिक या होलो जो एक टाइप का एक न्यूट्रिशन होता है उस कैटेगरी में हमारा आपका न्यूट्रिशन आता है तो चलिए हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताएं कि न्यूट्रिशन में हमारे अंदर किस प्रकार से कंप्लेक्स प्रोसेस होती है जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे आपको स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के फैसिलिटेट करने के लिए मतलब हमारा आपका अच्छे से न्यूट्रिशन हो उसके लिए एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इस डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम देखें तो ये माउथ से स्टार्ट होता है और इसके अलग अलग भाग आगे बढ़ते जाते हैं और इसके बाद ये इसकी एंडिंग एनस से ये दूसरी एंडिंग होती है सो माउथ ईसोफेगा सिस्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस एंड देयर आर सो मैनी ग्लैंड्स लाइक सेलिवरी ग्लैंड लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड लाइक लीवर लाइक पेंक्रियाज लाइक इंटेस्टाइनल ग्लैंडो हेल्प इन दोसेस एंड डाइजेस्टिव गाइप ऑफ दबिस्टेंस नॉन एज इंजाइम और बायो कैटलिस्ट जी यस yes. सर uh, हमने हम ये जानना चाहेंगे अभी आपने इंजाइम का जिक्र किया तो जो डाइजेस्टिव इंजाइम है yes. उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं सर आ, कुसुम जी जितने भी इंजाइम्स होते दुनिया में कुछ एक एक दो इंजाइम को छोड़ के बाकी सब प्रोटीन के बने होते हैं और इंजाइम्स वो सबस्टेंस होते हैं जो कैटलिसिस करते मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं और जो भी हम और आप भोजन करते हैं वो भोजन को सिंपल कंपोनेंट में तोड़ने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ हम और आप लोग अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं प्रोटीन लेते हैं फैट लेते हैं तो ये जो मैक्रो होते हैं ये कम्प्लेक्स सबिस्टेंस होते हैं और हमारे शरीर में अलग अलग जगह से कहीं पर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्टिव इंजाइम सिक्रिट होते कहीं से प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले इंजाम कहीं से फैट तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें प्रोटीन को अगर डाइजेशन डाइजेशन की प्रोसेस में इंजाम क्या करेगा प्रोटीन को पहले अमीनो एसिड में तोड़ेगा फिर पेप्टाइड में मोनोपेप्टाइड या डाईपेप्टाइड में तोड़ देगा तो यही प्रोसेस होती है कार्बोहाइड्रेट को सिंपल मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड में तोड़ देगा तो ये इंजाइम्स के काम है इंजाइम्स मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सबिस्टेंस को सिंपल सबिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है तोड़ देता है जिससे कि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके और uh, प्यारे बच्चों आपको जान के बड़ी ही आश्चर्य होगा कि जितने भी हमारे जो भी डाइजेस्टिव इंजाइम होते ये हाइड्रोलिटिक इंजाइम होते मतलब ये इंजाइम की एक्टिविटी अच्छे से हो इसके लिए इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोलिस करती है नाम ही बता रहा हाइड्रोलिस हाइड्रोलिटिक इंजाइम मतलब हाइड्रो हाइड्रोमींस वाटर वाटर की प्रेजेंस में अच्छे से काम करने में ये सफल हो पाते हैं तो चलिए हम आपको एक एक करके बताएं आपने ये जो स्क्रीन पर जो पिक्चर दिखाई दे रही होगी इसको अच्छे से समझ लिया होगा कई बार एग्जाम में ये बनाने के लिए भी आता है कि मेक ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ दी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दि माउथ ईसोफेगस stomach small intestine large intestine and anus so चलिए हम अगर बात करें तो आप बच्चों समझ पा रहे हो गए? आप और हम लोग थोड़ा कल्पना करें चलिए हम लोग भोजन कर रहे हैं अभी अभी लंच किया होगा ना थोड़ी देर पहले तो हम और आप लोग भोजन को लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं उनको हम जैसे ही लेते तो हमारे माउथ में भोजन हम लेते हैं और इसके बाद हमारे माउथ में आपने देखा होगा कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ द टीथ वन इज नोन एज इंसीजर सेकेंड वन इज नोन एज केनाइन थर्ड वन इज नोन एज मोलर एंड फोर्थ वन इज नोन नॉन एज प्रीमोलर सो आप इंसीजर केनाइन प्री मोलर एंड मोलर दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द टीथ डेट आर फाउंड इन अवर बक्कल कैप्टी तो so, जब हम लोग भोजन लेते हैं मोह में तो फिर चबाते हैं देखा होगा दांत की सहायता से साथ में आपने देखा होगा कि सेलाइवा जो सिक्रीट होती है जिसे हम सामान्य भाषा में लार कहते हैं इसमें इंजाइम्स पाए जाते हैं विशेषकर सेलेबरीमाइलेज तो ये इंजाइम्स हमारे भोजन में मिलता रहे और हम लगातार चबाते हैं तो इससे हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है इसके बाद भोजन हमारे ईसोफेगस में पहुंचता है जिसे हम ईसो को हम फूड पाइप कहते हैं और इसके बाद हमारा ये भोजन स्टोमक में पहुंचता है स्टोमक में फिर वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है उस गैस्ट्रिक जूस में हम अगर देखें तो ये मिक्सचर ऑफ दी एंजाइम्स होते हैं और उसके साथ साथ एक एसिड भी सिक्रीट होता है जिसे हम एस सी एल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसके बाद भोजन यहाँ पर प्रोटीन का विशेष का डाइजेशन होता है इसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है फिर आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अब uh, कई सारे और जो लिए हुए जूस भोजन के साथ मिलते हैं और ये एंजाइम्स पेंक्रियाज से आते हैं और इनमें विशेषकर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और इतने अब फाइन पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है जिससे कि हमारा इस्ाल इंटेस्टाइन में जो छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोसेस होती हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं उनके द्वारा इसे एबजॉर्ब कर लिया जाए और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकाल दिया जाता है तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों जैसे जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी ग्लैंड अपना सिक्रीसन दे रही पेंक्रियाज भी दे रही इसके अलावा आप देख रहे होंगे लीवर जो कि अपने अंदर से बाइल बनाता है वो बैल जाके स्टोर होता है फिर गोल ब्लेडर में और बाइल फिर जाके फैट का डाइजेशन करता है तो इस प्रकार से ये एक ओवरव्यू है डाइजेस्टिव सिस्टम का ह्यूमन बीइंग का और हम अगर वन बाय वन देखें तो हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि फूड इज ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर पार्ट इन बाय द टीथ एंड मिक्स विद सेलैवा एज वेल इन द स्टोमक क्या होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड जिससे जिस गैस्ट्रिक जूस निकलेगा और उसमें पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस होगा पेप्सिन बच्चों ये याद रखना है आपको कि पेप्सिन जो सिक्रीट होता है वो इनेक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है मतलब पेप्सिनोजन इनेक्टिव फॉर्म होती है और जब एस उसके साथ मिलता है उसको एसडिक इन्वायरमेंट मिलता है तो पेप्सिनोजन टूट कर में कन्वर्ट होता है और पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है म्यूकस जो कि स्टोमक में सिक्रीट होता है यह वाल जो होती है स्टोमक की वाल होती है उसको बचाने का काम करती क्योंकि आप समझ रहे हो कि एस वही एसिड है जिसे आप प्रयोगशाला में भी कई बार उपयोग हो किए होंगे एक कि स्ट्रोंग एसिड होता है तो इससे कहीं हमारे स्टोमक की वाल ही ना डाइजेस्ट हो जाए तो इसको बचाने का काम कौन करता है बच्चों म्यूकस करता है सो म्यूकस प्रोटेक्ट द वाल ऑफ द स्टोमक फ्राम द एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके बाद फूड हमारा पहुँचता है अपर पार्ट ऑफ दाल इंटेस्टाइन जिसे हम ड्यूडनम कहते हैं और यहाँ पर बाइल मिलता है जो कि लिवर से आता है और पेंक्रियाटिक जूस जो कि पेंक्रियाज से आता है बाइल का काम होता है बच्चों फैट का डाइजेसन करना और फैट को डाइजेस्ट करके वो स्मॉल ग्लोब्यूल में तब्दील कर देता है पेंक्रियाटिक जूस में कुछ इंजाइम जैसे ट्रिप्सिन ट्रिप्सनोजन के फॉर्म में पाया जाता है और लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन जो भी डाइजेस्ट हुआ था स्टोमक में उसके आगे के डाइजेशन को करता है और लाइपेज फैट को फिर ट्राइग्लिसराइड एंड ग्लेस्ट्रॉल और फिर मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है कुल मिला के इतने छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ देता है माइसिली के फॉर्म में कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करने के रूप में हो जाए तो फिर भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है जहाँ पर एक जो भी उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है वहाँ से भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है और इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम ऐसा होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है फैट fat को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड एंड डाइपेप्टाइड एंड पेप्टाइड में मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल फॉर्म में भोजन को तोड़ दिया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर आर सो मैनी फिंगर लाइक प्रोसेस और जिनकी मदद से एब्जॉर्बसन होता है डाइजेस्टेड फूड का और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग सो आई एम होपिंग दैट यू हैव इन्जॉयड दिस बट बच्चों हम और आप लोग देखते होंगे जब अक्सर हम लोग मीठी चीज़ें खा लेते हैं कैंडी हुआ या फिर अपने दांतों की डेंटल हाइजीन अच्छी नहीं रखते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आपके दांतों में आपके शरीर का सबसे टफेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सबिस्टेंस पाया जाता है जो कि इनेमल कहलाता है और उसके अंदर जो सेकेंड पार्ट होता है डेट इज द डेंटीन सो डेंटीन सेकेंड वन बट इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड इट मेक्स द क्राउन ऑफ दी टीथ जो आपके दांत का सबसे बाहर वाला जो हिस्सा दिखाई देता है तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कई बार क्या होता है कि जब आप और हम लोग अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं शुगर रिस सबिस्टेंस को हम लोग लेते हैं और उसको दांतों को जब साफ नहीं करेंगे तो वो शुगर हमारे आपके बक्ल कैप्टी में बना रहता है और सेलाईवा ऑलरेडी सिक्रिएट होता है इसकी वजह से धीरे धीरे हमारे दांत में जो एक प्रकार से डेके या कैरी डेंटल जो भी दांतों में आपने देखा होगा दांतों में ऐसे लगता है जैसे कि आपको सामान्य भाषा में कह देते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया एक्चुअली वो कीड़ा नहीं होता है वो हमारी जो हम लोग डेंटल हाइजीन अच्छे से नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से हमारे दांत खराब होने लगते हैं और इसकी वजह से जो आगे वाला भाग जो क्राउन है जिसकी जिस जो कि इनेमल से बना होता है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है और इस प्रकार से हमारे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं दांत वो दांत हमारे ख़राब होने लगते हैं तो ये आपको याद रखना है कि आपको अपने दांतों की सफाई करना है और सुबह शाम अच्छे से दांतों की सफाई करेंगे तो आपके दांत बहुत अच्छा आपका साथ निभाएंगे और आपके डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव प्रोसेस से उसमें आपकी मदद करेंगे बच्चों क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि देयर इज द दे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यस एन आई एन इट इज द इट इज द इंस्टीट्यूट डेट इज अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डेट इज आई सी एम आर तो यहाँ पर भोजन के लिए अलग अलग किस प्रकार का भोजन करना चाहिए या अलग अलग डाइट और उससे जुड़ी हुई कई चीज़ों का अध्ययन होता है शोध है इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डेडिकेटेड फॉर द न्यूट्रिशन इट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द हैदराबाद सो चलिए अब हम आपको दूसरा प्रोसेस बताएं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है डेट द इंस्पाइरेशन बच्चों आप लोग याद कर रहे होंगे अभी अभी हमने बात की थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसको जब भी कोई कार करना होता कोई भी वर्क जैसे आपको साइकिल चलाना है या आपको प्ले करना है या आपको दौड़ना है कोई भी काम आप करते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आएगी वो एनर्जी जो जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं जो हम भोजन करते हैं उससे हमें आपको भोजन जो हमारे शरीर में जाता है फिर वो ब्रेक होता है फिर हमारे ब्लड में पहुंचता है और फिर वो डाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर चूँकि आप जानते हो कि हमारा शरीर कई सारी मिलियंस ऑफ दी सेल से बना हुआ है जैसे आपने कोई मकान देखा होगा वो छोटे छोटे ईंटों या बृक्ष से बनता है ऐसी मेरा आपका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बनता है सोचिए मेरे आपके शरीर में देयर आर मिलियंस ऑफ दी सेल सो so, वो जो भोजन हमने किया वो ब्लड के द्वारा इन लाखों कोशिकाओं में पहुंचता है तो अब यहाँ पर जब आप ब्रीदिंग करते हैं ब्रीथ करते हैं तो आप देखते होंगे कि एयर लेते हैं अंदर इंस्पाइरेशन करते हैं इसके बाद कुछ देर में एक्सपायरेशन करते हैं तो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन की प्रोसेस करते हैं तो जब आप अंदर हवा ले जाते हैं तो आप ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर ले जाती हैं फिर वो आपके फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों से एलवलाई में और एलवलाई से फिर ब्लड वेसल जुड़ी रहती हैं और फिर वो शरीर की सभी लाखों करोड़ों कोशिकाओं तक पहुंच जाती है और फिर जो भोजन हमने डाइजेस्टेड फूड जो हमारे सेल में पहुंचा हुआ है फिर वहाँ पर उस भोजन का कम्बशन होता है ऑक्सीजन के प्रजेंस में तो ये पूरा मकसद है रिस्पाइरेशन का तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रेस्पायरेशन होता है तो इससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन की वजह से हम भोजन का कम्बर्शन करते हैं और हमें और आपको कहीं ना कहीं से एनर्जी प्राप्त होती है आपने देखा भी होगा जब आप कोई विग्रस एक्सरसाइज करते हैं जब दौड़ते हैं जब खेलते हैं जब बहुत ऐसा काम करते हैं जो मेहनत का काम होता है तो आपकी सांसें ज़्यादा तेज़ चलने लगती हैं उसके पीछे का मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को आपकी बॉडी चाह रही है मतलब ऑक्सीजन जितनी जल्दी अंदर पहुँचेगी तो आपके शरीर में फिर फूड का कम्बेशन होगा और आपको एनर्जी प्राप्त होगी तो चलिए आप जैसा कि अब हम आपको दिखा रहे हैं आप देख पा रहे होंगे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिस्पाइरेशन रिस्पाइरेशन इज द प्रोसेस बाई विच फूड इज बाइंड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन रिलीज द एनर्जी सो अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये क्या करती है तो ये एनर्जी क्या करती है रिस्पायरेशन में ये एटीपी मॉलिक्यूल बनाने का काम करती है अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एटीपी क्या होते एटीपी की फुल फॉर्म होती एडिनोसिन ट्राईफॉस्फ्रेट ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाती है जैसे मेरे आपके पास रुपया पैसा होता है ऐसी सेल के अंदर एनर्जी करेंसी की यह यूनिट कहलाती है अर्थात हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो ए के रूप में ए के फॉर्म में स्टोर रहती है तो जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फॉस्फेट ए डी जी उससे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिलता है एनर्जी जो हमने भोजन लिया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जला उससे एनर्जी प्राप्त हुई तो उससे फिर ए बनता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर सो तो ये पूरी प्रोसेस है अब अगर हम देखें तो हमारे आपके शरीर में जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो आप वो ग्लूकोज जो हमारे आपके शरीर में पहुंचा, ये एक छः कार्बन का मॉलिक्यूल होता है इट द सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल और ये सबसे पहले जो पहली प्रोसेस होती है डेटेड नोनेज ग्लाइकुलिस यह साइटोप्लाज में होती है तो ग्लूकोज टूटता है फिर उससे हमें और आपको एनर्जी कैसे मिलती है ये हम समझाने जा रहे हैं आपको तो जब ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा में पायरुवेट बनता है इट इज द थ्री कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी लेबरेट होती लेकिन इसके बाद अ, दे, अब देयर आर द थ्री पाथवे अगर ऑक्सीजन किसी ऑर्गेनिज्म को मिलती है अर्थात प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में अ, जो भी पायरुवेट है वो फिर आगे ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में अगर ऑक्सीजन नहीं मिली जैसे कि आप कल्पना करिए आप विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं आप रनिंग कर रहे हैं आप जॉगिंग कर रहे हैं आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज़्यादा तेज आपकी धड़कन चलती सांस चलती है लेकिन उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती आपकी बॉडी को तो आपके शरीर में ऑक्सीजन डेप्ट हो जाता ऑक्सीजन की कमी हो जाती तो वो पायरूवेट जिसको टूटना चाहिए था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में वो हमारे आपके शरीर में मसल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी के रूप में तब्दील हो जाता है तो आपने देखा होगा जब आप और हम लोग ऐसे ज़्यादा साइकिलिंग ज़्यादा दूरी तक पैदल चलते हैं दौड़ते हैं तो मेरे आपके पैर दर्द करने लगते हैं क्यों क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ऐसे लैक्टिक एसिड को लैक्टिक एसिड कहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं थोड़ा सा मसाज करते हैं या गर्म पानी से सिकाई करते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं तो कुछ समय बाद फिर लैक्टिक एसिड भी डिफ्यूज हो जाता है और फिर आपका शरीर का दर्द खत्म हो जाता है तो ये हमारे मसल सेल में ये मैकेनिज्म होती है लेकिन एक ईस्ट एक ऐसा यूनिसेलर फंगस होता है जो अभी हमने आपसे बात की थी ना बच्चों की फंगस वो होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों पर ग्रो होते हैं तो ईस्ट एक प्रकार का फंगस है आपको याद है ना कभी आप अपनी मदर या पिताजी के साथ कभी किचन में गए होंगे तो आपने देखा होगा खमीर पाउडर उसको अलग अलग व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है उसे ईस्ट कहा जाता है ईष्ट से प्राप्त होता है उससे ब्रेड बनती हैं बेकरीज में एज वेल एज ब्रेवरीज में अलग अलग वाइन्स बनती हैं तो ईस्ट जो होता है उसमें एनर्विक रिस्पाइरेशन होता है मतलब ऑक्सीजन की अपसेंस में ईस्ट क्या करता है पायरुबेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में तो ये तीन पाथवे आपको याद रखना है ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट पाथवे ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज सो आपको समझ में आ गया होगा और ये भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अरे वाह रिस्पाइरेशन तो दो प्रकार के होते हैं अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पाइरेशन होता है तो हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं और इसमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में और ये हायर ऑर्गेनिज़ में यूजली पाया जाता है एनोर्बिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होता है जिसमें कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पाइरुवेट टूटता है या ग्लूकोज पहले पायरुबिक एसिड में फिर पायरुबिक एसिड uh, इसके बाद अब टूटेगा इन अपसेंस ऑफ दी ऑक्सीजन तो इस प्रकार का हम एनेबिक रिस्पायरेशन कहेंगे ये यूजुअली ईस्ट में होता है तो ये आपको समझ में आ गया होगा इससे एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होती है अब कई बार आपसे दो नंबर में या तीन नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द टू और थ्री डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनेरबिक रिस्पायरेशन तो जैसा कि हमने आपको अभी समझाया कि एरोबिक मीन्स समथिंग इज रिलेटेड विद ऑक्सीजन so oxygen is required in aerobic and oxygen is not required in anaerobic and complete oxidation of the food occurs in aerobic and incomplete oxidation of the food occurs in anaerobic as well as the uh, greater amount of the energy is released in aerobic respiration and uh, less amount of the energy is released in the anaerobic respiration and usually the aerobic respiration is found in the higher organism and anaerobic respiration is found in the uh, lower organisms, so like yeast, so yeast is the unicellular fungus. So we have already discussed in detail what is the ATP. So again, I would like to recall you ATP is the adenosine triphosphate. It is the energy currency of the cell, and the energy is stored in the bond that is formed by the adp and p so you will be able to uh, see that in this slide that the, the bond that is formed between the adp and p that is the high energy bond so when this bond is broken down the greater amount of the energy is released so uh, if, देर आर सो मैनी रिस्पायरेटरी ऑर्गनेल आर फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक सम ऑर्गेनिज्म शो द रिस्पायसन बाय द बॉडी सर्फिस लाइक स्पॉन्जेज एनसीलेंट्रेड आपने देखा होगा कि जो स्पॉन्जेज होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं क्विटिक ऑर्गेनिज्म में कहलाते हैं इसलिए इनको कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे फिशिज उनमें गिल्स पाए जाते हैं और ऐसे रिस्पाइरेशन को गिल रिस्पाइरेशन या ब्रेक ब्रांकियल रिस्पाइरेशन कहते हैं कुछ में बुक गिल बुक लाइक पेज जैसे किताब के पन्ने होते हैं ऐसे बुक गिल लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा रिस्पाइरेशन होता है जैसे लाइमुलस और किंग क्रैप स्किन के द्वारा या जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा क्यूटेनियस रिस्पाइरेशन होता है एनलेडा एंड एम्फीबियन में विंड पाइप या ट्रैकिया के द्वारा ट्रैकियर रिस्पाइरेशन होता है इंसेक्ट में और लंग्स या पल्मोनरी रिस्पाइरेशन ये अधिकतर हायर ऑर्गेनिज में पाया जाता है टेट्रापोड मतलब टेट्रा मीन्स चार पैर वाले एनिमल्स एंड बुक लंग्स ये पाया जाता है अरेक्निड स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन में आप देख पा रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पर यह अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग ढंग से रिस्पायरेशन करते हैं जैसे रिस्पायरेशन इन अमीबा बाय डिफ्यूजन रिस्पायरेशन इन फिशेज बाय गिल्स रिस्पायरेशन इन अर्थबॉम बाय द जनरल बॉडी सरफेस और मॉइस्ट स्किन मॉइस इन फ्रॉग सो आइदर बाय द आई आइदर बाय द माउथ कैविटी और बाय द पल्मोनरी रिस्पाइरेशन सो इन फ्रॉग देयर इज सो आइदर इन दॉल बक्ो फेरेंजियल कैविटी के द्वारा भी होता है क्यूटेनियस रिस्पाइरेशन भी होता है और पल्मोनरी रिस्पाइरेशन भी अलग अलग ढंग से सर दो मिनट और शेष है हमारे सत्र में सर मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी वाई इज द रोल ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एक्वेटिक Is much than the organism, sir. Yes, so बच्चों, आपने जैसा कि मैम ने अभी प्रश्न पूछा इसके बारे में आप जानते हो कि हम लोग जब टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है 21 परसेंट के आसपास ऑक्सीजन पाई जाती है लेकिन जो ऑर्गेनेज में, पानी में रहते हैं एक्टिक ऑर्गेनेज में वहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता उतनी नहीं होती है इसलिए वो ज़्यादा ऑक्सीजन को लें इसलिए उनमें रिस्पायरेटरी जो भी प्रोसेस के दौरान ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होता है कि जिससे कि ज्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन को ले सकें एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग फास्टर होता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है इनका प्रेजेंट टू टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट यहाँ पे हवा में ज्यादा ऑक्सीजन है बट पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम होती है इसलिए वो ज्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए जल्दी जल्दी श्वसन करते हैं ब्रीथिंग करते हैं सर और जाते जाते क्या बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को क्या हमें अभी जैसे कि हम बता रहे थे कि आप एलिमेंट्री कैनाल देख रहे थे ह्यूमन बियंग की अगर इसी एलिमेंट्री कैनाल के अगर हम ए, किसी हरबी एनिमल से कंपेयर करें जो घास खाते हैं या जैसे कि काऊ हो गया बफैलू हो गया उनकी एलिमेंट्री के नाल लंबी होती है क्योंकि उनका जो भोजन होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो आप इसको करेंगे बच्चों आपने आज एंजॉय किया होगा कि न्यूट्रिशन क्या है और हमारा शरीर में इसकी किस प्रकार से मैकडिन होती बिल्कुल है बिल्कुल सर बहुत अच्छे से आपने समझाया इस चैप्टर को और अभी मेरे ख्याल से अभी इस चैप्टर को कम्प्लीट होने में एक पार्ट और लगेगा तो हम अगले सत्र में हम जानेंगे और बाकी पार्ट को और आज के लिए सर का आप बेहद धन्यवाद थैंक यू सर और स्टूडेंट्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जाने से पहले हम एन सी आर टी टेक्स बुक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं एन सी आर टी टेक्स बुक्स फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर आर अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री एंड दीज टेक्स्ट बुक्स मे बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द एन सी आर टी सेल काउंटर्स लोकेटेड एट न्यू दिल्ली अहमदाबाद बेंगलुरु कोलकाता एंड गुवाहाटी दीज सेल काउंटर्स विल बी फंक्शनल ऑन ऑल द वीक डेज इंक्लूडेड कैजटेड हॉलीडेज़ सैटरडेज संडेज फ्रॉम नाइन थर्टी एम टू सिक्स पी एम एंड यू मे ऑल्सो प्लेस ऑर्डर फॉर the books online from our website ncertbooks.ncert.gov.in and these books will be delivered at your doorstep without any delivery charges and if you want the soft copy of the books in pdf version you can also download it for free from the diksha e website and mobile app so dear students and learners please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendor और इसी के साथ हमारा आज का ये साइंस का सत्र ही संपन्न होता है लेकिन आप जरूर जुड़े रहिए ई विद्या चैनल से क्योंकि अभी बहुत सारे रोचक और ज्ञानवर्धक सत्र हैं अब से कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे कक्षा दस के लिए हिंदी का विषय लेकर तो बने रहिए ई विद्या चैनल पर और हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार